नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं टेकी टाइक सचिन। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद अपना सिल्वर प्ले बटन रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं उसका अगला स्टेप जो कि बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना सिल्वर प्ले बटन सिर्फ 1 वीक में अपने घर में ला सकते हो। लेकिन YouTube ने तो कहा है 2 से 3 वीक आपको लग सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप सिर्फ 1 वीक में अपने घर सिल्वर प्ले बटन ला सकते हो। दोस्तों, पूरी डिटेल्स और कैसे आपको करना है पूरी लाइव प्रूफ जो कि मैं पीसी पे दिखाने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेकी टेक सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको हर रोज इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ईमेल ओपन करके रख दिया है। मैंने 24 तारीख को लाइव चैट के थ्रू यूट्यूब से जो कि बात की थी, तब वहां पे जब मैंने चैटिंग की थी वहां पे उनका ये मेल रिप्लाई आ गया था। उसी दिन 24 तारीख को 12:35 को मुझे मेल मिला है। उसी दिन शाम को मुझे मेल मिला है 6:09 को कि आपको ये जो आपका जो सिल्वर प्ले बटन है आप उसके लिए क्वालिफाई हैं, यहाँ पे आप उन्होंने बताया है। और तो यहाँ पे रेडिएशन पोर्टल पर जाकर आप ये कोड डालकर आप जो कि सिल्वर प्ले बटन रिडीम कर सकते हैं। तो 24 तारीख को उसी दिन मैंने रिडीम कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे और एक मेल मिला है 24 तारीख को शाम 8:56 को, सचिन सामने गेट रेडी फॉर योर सिल्वर अवार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कि अवार्ड यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वी सेंड यू अनदर ईमेल व्हेन इट शिप्स, इट शुड अराइव अबाउट 2 to 3 वीक्स। यानी कि YouTube ने कहा है ये आपको 2 से 3 वीक में मिलेगा, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ सिर्फ आपको 1 वीक में आपके घर जो कि सिल्वर प्ले बटन आएगा। तो मुझे और एक जो मेल भेजा मिला है YouTube की तरफ से, कब, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मिला है। यहाँ पे मिला है कि आप अपना जो कि ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे इस ट्रैक ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए UPS.com जो कि कुरियर कंपनी है जो कि इंटरनेशनल जो कि प्रोडक्ट्स है वो इसी थ्रू आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कब पैक हुआ है, कब जो कि शिप हुआ है। तो आप देख सकते हैं 28 तारीख को मेरा जो कि प्रोडक्ट है लेबल्ड क्रिएट हो गया है, शिप जो कि 28 तारीख को ही हो गया है। यानी कि 28 तारीख को मेरा प्रोडक्ट शाम 4:32 को शिप हो गया है। तो वहां पे देखिए, वहां से आप देख सकते हैं सब यूनाइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख को, 28 यानी कि 29, 30, 31 और 1 तारीख को, यानी कि 4 दिन बाद जो कि सुबह 3:34 को दुबई में आ गया है जो कि मेरा सिल्वर प्ले बटन 4 दिन बाद दुबई में आ गया है। तो दुबई से देखिए यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, अगला है मुंबई का, 1 तारीख को दुबई में आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, यहाँ पे देखिए 2 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजकर सॉरी दोपहर को 2 बजे मुंबई में आ गए हैं। यानी कि समझ गए क्या, 4 दिन दुबई में आने में लग गए, उसके बाद एक ही दिन में मुंबई में आ गया मेरा प्रोडक्ट, मेरा जो कि सिल्वर प्ले बटन आप देख सकते हैं। और 3 तारीख को मुझे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया था कि मुझे 7:30 बजे यहाँ पे क्या लिखा था कि वी आर वर्किंग ऑन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। यानी कि मुझे 3 तारीख को ही यह मैसेज यहाँ पे मिला था। कहाँ पे मिला था, इस सेक्शन वाले क्लिक सेक्शन में मुझे मिला था कि आपकी डॉक्यूमेंट्री है वो क्लियरेंस के लिए रुकी गई है। यानी कि आपका जो भी अवर सिल्वर बटन जो भी मुझे मिला है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद ही वो अगले आपकी होम डिलीवरी कर देंगे। तो मुझे, मैंने उसको उस वक्त उसे ज्यादा ध्यान में नहीं रखा लिया, क्योंकि मेरा मेरा ये दूसरी बार है, पहली बार जो मेरे भाई को मिला था, लेकिन वो सब मैं भूल गया था। तो मुझे 3 तारीख को मैं KYC, उसको KYC बोलते हैं, KYC अगर मैं 3 तारीख को करता तो मुझे लगभग 4 नहीं तो 5 तारीख को मुझे डिलीवर हो जाता। तो यहाँ पे मैंने 3 तारीख को नहीं किया है, मैंने कल तारीख थी 6 तारीख, 6 तारीख को आप देख सकते हैं, 6 तारीख को मैंने जो कि ई केवाईसी केवाईसी क्या है उनको मैंने डॉक्यूमेंटेशन भेजा है। तो डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए आप सिंपली यहाँ पे गूगल पर जाकर UPS, अगर आपके सब मेरे यहाँ जो सोलापुर को नजदीक है मुंबई में आ गया है, अगर आप दिल्ली में है या किसी और जगह पर है तो वो आपका सिल्वर प्ले बटन वहां के एरिया में जाएगा, जो मेन एरिया रहता है। मेरे यहाँ महाराष्ट्र का जो मेन एरिया है मुंबई है, तो मैं मुंबई का लोकेशन लेता हूँ। यहाँ पे देखिए UPS कॉन्टेक्ट नंबर करके आपको
कॉन्टैक्ट नंबर करके आपको सर्च करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट आपको यूपीएस के मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे आप स्क्रोल डाउन करते जाएंगे, मुंबई का मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से लिया है, तो सिंपली इन्हें मैंने कॉल किया है। जैसे मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरा जो कि ट्रैकिंग आईडी नंबर लिया है, जो ट्रैकिंग आईडी नंबर रहता है वो ये वाला रहता है। आपको ये वाला ट्रैकिंग आईडी नंबर उनको बताना है। जैसे बताएंगे, वो आपको एक ईमेल आईडी देंगे। उस ईमेल आईडी थ्रू आपको जो कि अपना जो कि आधार कार्ड और आधार कार्ड का बैक साइड, यानी कि एड्रेस प्रूफ और आपका जो कि नेम डेट ऑफ जो है आइडेंटिफिकेशन, वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों आपको आधार कार्ड की फोटोज आपको उस मेल के थ्रू भेजना है। जैसे आप ईमेल के थ्रू भेजेंगे, यहाँ पे वो अगला प्रोसीजर जो कि स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आपका आपका जो भी केवाईसी वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मार्क आता था, यहाँ पे जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होता तब तक वो ऐसे ही रहेगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद वो अगला प्रोसेस जो कि स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरा लास्ट जो केवाईसी करने के बाद जो स्टेटस है वही है, अगला स्टेटस जो कि अभी अपडेट नहीं हुए। और अभी का डेट और टाइमिंग आपको दिखाता हूँ लाइव, डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं। 7 अक्टूबर है, वेंसडे बुधवार आए और 9:50 भी बज चुके हैं, यानी कि मैंने कल किया है। अभी तक कोई स्टेटस मुझे जो कि यहाँ से नहीं मिला है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल मुझे सिल्वर प्लेयर बटन मिल जाएगा। अगर आप इसे हर वक्त ट्रैक करते रहेंगे, जिस दिन आपकी जो कि नज़दीकी एरिया है वहाँ पे आएगा, उसी दिन आप उनको कॉन्टैक्ट करके अपना जो कि केवाईसी कंप्लीट करवाएगा, अगले दिन आपको वह मिल जाएगा। यानी कि लगभग 7 से 8 दिनों में सिल्वर प्ले बटन आपके घर में होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर सच में नॉलेजेबल लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल टिकट एक सचिन को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।